हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एनआरबी बेयरिंग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं फंडामेंटल्स, फिर आते हैं चार्ट्स पे। तो अगर बात करें कि कंपनी करती क्या, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कंपनी बेयरिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती है। तो अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो खास करके अगर बाहर से कंपनी आती है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे कि पहले ऑन पेपर था सिर्फ कि एक बात थी कि इंडिया में कंपनी आएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी, बट अब यहाँ कंपनी एक्चुअली में आ रही। खास करके एक अभी कंपनी, अब पिछले बार हमने डिस्कस भी किया था, RHI मैग्नेसिटा के नाम से, जो रिफैक्ट्रीज की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो इंडिया के अंदर अब आके यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो एक मतलब मेजर एग्जाम्पल है, आने वाले समय में और भी ऐसी कंपनियां आएंगी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने। और तो और आईफोन की भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आके अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हालांकि मेजर कंपोनेंट्स अभी भी चाइना में बनता है उनका, बट वहाँ पे ये वाली बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल हम लोग। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग माने कि और कंपनी आती है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनता है, तो आने वाले समय में बेयरिंग कंपनी के अंदर, बेयरिंग कंपनीज के अंदर एक हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। तो खास करके इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये कंपनियां अगर हम लोग अभी बाय करते हैं, तो एक आने वाले समय में एक हम लोग अच्छा ट्रेंड इसके अंदर कैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर्स पे, एक बार फोकस करते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पे, स्टॉक की पी मतलब और बुक वैल्यू करंट प्राइस को देखते हुए वैल्यूएशन हम लोग कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है इनकी वैल्यूएशन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ओके है, कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर रही है, होल्डिंग हेल्दी है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही फ्लैट है, नेगेटिव नहीं है, फ्लैट है, नेगेटिव 1.5% कुछ या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं मानते उसको, फ्लैट मानते हैं। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन कंपनी ठीक ठाक पे अर्न कर रही है। प्रोज एंड कॉन्स के अंदर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ फ्लैट रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो थोड़ा सा कम ही रहा है, और कुछ खास ऐसी बात उसमें है नहीं फिर ना देखने लायक। प्रमोटर्स की होल्डिंग 3% कम हुई है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। डेट और रिजर्व की बात करें तो डेट और रिजर्व कंपनी की ठीक ठाक है। और नीचे आते हैं प्रॉफिट में, तो सेल्स का प्रॉफिट एंड लॉस में तो सेल्स के देखेंगे एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही रहा है, हालांकि धीमे धीमे बढ़ रहा है। जैसे 2011 से 2022 11 साल में इनकी सेल्स सिर्फ डबल हुई है, काफ़ी सालों के बाद अगर बात करें तो। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अभी तक डबल भी नहीं हुआ इनका। बट क्या है कि अब बात कर रहे हैं हम लोग इन फ्यूचर की, फ्यूचर्स की अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है। शेयर कैपिटल ठीक है, शेयर कैपिटल बराबर रहा है इनका। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो वाइज भी कंपनी पॉजिटिव रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, उसके अलावा देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होकर FIs की एंट्री अग्रेसिवली थोड़ी सी देखेंगे एंट्री हुई है यहाँ पे, और DIs ने थोड़ा सा एग्जिट किया है यहाँ से। ओवरऑल जो गेन हुआ है शेयर्स का, या कह सकते हैं शेयर्स का, तो वो पब्लिक हुआ है। अब बात करें चार्ट के, तो चार्ट पे हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं, यहाँ से कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग को एंट्री करनी है तो एंट्री हम लोग इन लेवल से कर सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इनका सिंपली हम लोग इन लेवल्स के नीचे रखेंगे। तो अगर इसके अंदर कंपनी के अंदर अगर हम लोग इस लेवल पे अगर कहें कि इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, ना कि हिस्ट्री के। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग को देखना होता है कि सेल्स कैसी रही है पिछले पास टर्म में और क्या क्या रहा है। मेन चीज़ हम लोग को जो देखना होता है वो ये है कि आने वाले समय में कंपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएगी कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन कंपनी की होनी चाहिए कि वो अपने आने वाले समय में अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे अभी आ रही है इंडिया में, वैसी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको ग्रैब कर पाए। तो वहाँ पे हम लोग उसी के बेसिस पे ये वाली कंपनी को हम लोग एक कह सकते हैं कि सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं फ्यूचर, तो उसी पर्पज से करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव ट्रेंड में रही है कंपनी कहीं ना कहीं, सेल्स मतलब इनका चार्ट पे पॉजिटिव ट्रेंड है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़े लेवल पे भी कप एंड हैंडल बन रहा है, जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम भी बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर लेंगे, स्विंग ट्रेड लेंगे, तो 20-25% लेके इसमें एग्जिट कर जाएंगे। और अगर लंबा ट्रेंड लेंगे तो एक अच्छा खासा इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, आने वाले समय में एक अच्छा हम लोग को रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। और वॉल्यूम देखेंगे वीकली पे, तो एक वीकली वॉल्यूम पे यहाँ पे अच्छी खासी एग्रेसिव वॉल्यूम है यहाँ पे। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपना कैपिटल सेफ रखना। तब तक के लिए बाय।